हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स बना था, वहाँ तक देख लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, विच इज़ एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुआ है, हमारा प्रोकैरियोट्स तक बन गया था पहले। अब ये कहता है कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुआ है, और इवॉल्व करते समय दो मेन मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें। क्या क्या? पहला तो कि जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हुआ है, और दूसरा है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है। ये दोनों समझना इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला है कि इंक्रीज़ इन साइज़, तो जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें थोड़ा साइज़ और बढ़ा, ठीक है, और तब जाके वो यूकैरियोट्स बने हैं। लेकिन सेल का साइज़ इंक्रीज़ होने से देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कि उसमें फिर साइज़ इंक्रीज़ होने से मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो उसके लिए ज़्यादा एंजाइम्स चाहिए होंगे, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो इतना ज़्यादा एनर्जी आएगा तो उसके लिए सेल के लिए लॉस है, क्योंकि इतना एनर्जी नहीं ला पाएगा तो वो स्ट्रेस आउट हो जाएगा वो सेल। तो इसका उपाय क्या निकला कि ठीक है, हम साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो साथ में हम कंपार्टमेंटलाइजेशन करते जाए, मतलब कि सेल के अंदर के स्पेस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते जाओ, ताकि एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरी करेगा, उसे कम एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मेटाबॉलिक फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली कर पाएगा। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे हुआ, इसका दो थ्योरी है, एक है इन्वेजिनेशन थ्योरी, दूसरा है सिम्बायोटिक थ्योरी। इन्वेजिनेशन थ्योरी क्या कहता है कि जो हमारा बायो मेम्ब्रेन था, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं, ये अंदर की तरफ फोल्ड हुआ, ठीक है। ये अंदर की, अगर आपको नहीं पता है तो ये देखिए, ये हमारा बायो मेम्ब्रेन है, ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हुआ। आपको मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले चैप्टर में कि इस तरह से क्रिस्टी का फॉर्मेशन करता है, तो इस तरह ये इनफोल्डिंग होकर ये न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, ये सब बनाया था, और इसलिए हम इसे एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैप्टर में, और ये यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसका मतलब जितने भी है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के मेम्ब्रेन सेम है, यानी लिपिड और मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन के बने हुए, सॉरी, लिपिड और प्रोटीन के बने हुए, और सिंगर और निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेशन हुआ ऑर्गेनल्स का। दूसरा थ्योरी क्या है, सिम्बायोटिक थ्योरी। ये क्या कहता है कि जो हमारा जो सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये उसके फॉर्मेशन के बारे में बात करता है कि ये कैसे आया। तो ये क्या कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अचानक से फॉर्म हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया था, जिसका एक अपना डीएनए है, डीएनए तो आज भी है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए ये बात को हम मान सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया था जिसका एक अपना डीएनए था। माइटोकॉन्ड्रिया को किसी प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म ने इनगल्फ कर लिया, प्रोबेबली जो फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया थे, जो कीमोहेटरोट्रॉफ थे, उसने माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ कर लिया, और उसे डाइजेस्ट करने के बदले, खाने के बदले, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रहने लगा। तो दोनों को म्यूचुअल एडवांटेज मिला, जो प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म है उसे एरोबिक फोटोसिंथेसिस का एडवांटेज मिला, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में वो फीचर है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया को बदले में प्रोटेक्शन मिला। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया परमानेंटली उस होस्ट के अंदर रहने लगा, और ये धीरे धीरे फिर एक एनिमल सेल में इवॉल्व कर गया। एंड नेक्स्ट है हमारा उसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गे एनगल्फ हुआ, और वो क्लोरोप्लास्ट बनाया, और इसी तरह बैक्टीरिया ने उसे एनगल्फ किया, एंड प्लांट सेल का फॉर्मेशन हुआ। और इसका प्रूफ किया है कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में 70S राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, फर्स्ट अमाइनो एसिड दोनों में फॉर्माइल मिथियोनिन बना था, और दोनों में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। ये है हमारा
कॉग्नोजेनी भी हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें आता था हमारा एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स। हमने कीमोजेनी डिस्कस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, बायोजेनी में हमने यूबायोन्स देखा, एंड कॉग्नोजेनी में हमने यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन की तरफ, जिसमें लैमार्क और डार्विन्स के थ्योरी आएंगे। तब तक आप इसे पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स।